विधवा महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के अमरोहा जनपद के हसनपुर नगर की एक विधवा महिला के साथ सरेआम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से सनसनी फैल गई है। इस महिला को एक युवक बुरी तरह से पीटता दिखाई दे रहा है। महिला के काफी चोटें हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसका चालान कर दिया गया। बता दें कि हसनपुर नगर के मोहल्ला कोट पश्चिमी की रहने वाली विधवा महिला कविता का आरोप है कि मोहल्ले के ही रहने वाले पंकज पुत्र महेंद्र अपने साथ दो महिलाओं के साथ उसके घर पर आकर मारपीट करने लगा। इतने पर भी मन नहीं भरा तो उसने महिला को सरेआम रास्ते पर पिटाई की और बुरी तरह से पीटा, जिससे वह लहूलुहान हो गई। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का मन नहीं पसीजा और वह लोग सरेआम पीटते रहे। उसका आरोप है कि पहले उसने घर पर जाकर पीटा था, जिसकी शिकायत लेकर वह कोतवाली पहुंची थी, जहां कोतवाली पुलिस ने भी टालमटोल करनी चाही, लेकिन उसके चिल्लाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब कविता कोतवाली हसनपुर से अपने घर जा रही थी तो रास्ते में पंकज और उसके साथ मौजूद दो महिलाओं ने उसको सरेआम पीटा। इसकी वजह से उसकी काफी चोटें आईं, उसे खून बहने लगा, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। इस मारपीट का लाइव वीडियो किसी शख्स ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक पंकज को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसका चालान कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक मारपीट के कारण का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। कहाँ की रहने वाली हूँ? हसनपुर की रहने वाली हूँ। क्या घटना हुई थी? मेरे साथ घटना ये हुई कि ये सुबह 6:30 बजे मेरे घर घुसकर मुझको हमला कर दिया और मुझे साथ मारपीट करने लगा। मेरी बेटी को भी मारा और मुझे भी मारा। कौन लोग थे? पंकज और सोशीला, अनीता और आदि लोग थे साथ में। फिर उसके बाद में कोतवाली थाना कोतवाली रिपोर्ट करने के लिए गई तो उन्होंने मेरी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर मैं 10:30 बजे मैं थाना कोतवाली पहुँची तो उन्होंने मेरी FIR फाड़ के फेंक दी। मैंने दोबारा से यहाँ चिल्लाई तो उन्होंने सादा रूप में मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और मुझे घर भेज दिया। फिर रास्ते में मुझे पंकज, सोशीला, अनीता आदि लोगों ने मुझे लाल मस्जिद से लेकर और मुझे इतनी बुरी तरीके से पीट कर बाल पकड़ कर खींच कर मुझे मारा। उसने मेरे आदि कुंडल और सब चीज़ें छीन ली, मोबाइल भी छीन लिया और फिर घर पे भी चढ़ाई कर दी उन लोगों ने। इसने मेरी बेटी को भी मारा उन्होंने। मेरा बेटा इतनी बुरी तरीके से डरा हुआ है, जो मेरे साथ में था अभी भी होश है, वो बोल भी नहीं पा रहा। अब आप मुझे बताइए कि आप इसमें इंसाफ मिलेगा या नहीं। जिन्होंने FIR फाड़ी थी उनका क्या नाम था? दरोगा का था मनोज कुमार। कोतवाल जी थे वहाँ पर? कोतवाल जी थे। अब क्या चाहती हो? अब मैं उसको सजा चाहती हूँ। एक महिला को पीटना को इतना वो नहीं है कि और भी हैं तो उनके साथ भी हो सकता है। सर, थाना हसनपुर क्षेत्र में एक विधवा महिला को पीटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, क्या असर पूरा मामला? इस संबंध में थाना हसनपुर पर धारा 323 504 लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।